ये कहा कि ये जो 20,000 हुआ है, अब अगला लक्ष्य इसका 25,000 टेस्ट प्रतिदिन का रखना चाहिए और इसके लिए विशेष रूप से सैंपल्स को विभिन्न जनपदों से संग्रहित करना चाहिए। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष जो नया एंटीजन टेस्ट आया है, इसकी रिजल्ट्स की भी चर्चा की गई और ये जो नया टेस्ट लगभग 10 जनपदों में ट्रायल इसका कल परसों में किया गया था, इसके ट्रायल के रिजल्ट्स भी आ गए हैं। मुख्यमंत्री जी ने आदेशित किया है कि मेरठ मंडल में, विशेष रूप से गाज़ियाबाद और नोएडा में इस एंटीजन टेस्ट का विशेष उपयोग किया जाए, क्योंकि ये फील्ड में भी लिया जा सकता है, तत्काल रूप से जो है इससे पता लग जाता है कि व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है, तो ये सूचना तुरंत मिलने पर इसका उपयोग फील्ड में काफ़ी बेहतर तरीके से हो सकता है। एंटीजन टेस्ट जो है ICMR की अनुमति से दिया गया है, इसको और आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने आदेशित किया है। मुख्यमंत्री जी ने जो अनलॉक की व्यवस्था है, इसमें पूरी सावधानी औद्योगिक संगठन, वाणिज्यिक संगठन और कारोबारियों के लिए विशेष रूप से आदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि जैसे हेल्प डेस्क, हेल्थ विभाग के द्वारा, पुलिस के द्वारा, प्रशासनिक विभागों द्वारा, विभिन्न संस्थाओं में जैसे कोविड हेल्प डेस्क बनाया गया है, वैसे ही औद्योगिक इकाइयों में भी हेल्प डेस्क की व्यवस्था की जाए, जहां पर इंफ्रारेड थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, सैनिटाइजर, मास्क और ग्लव्स की व्यवस्था करके लोगों को ट्रेन किया जाए। मुख्यमंत्री जी ने कहा है जहां उद्योग में पाँच से अधिक व्यक्ति कार्यरत हैं, तो ऐसे जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जाए और वहाँ कोविड हेल्प डेस्क स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित भी लोगों को किया जाए। ऐसे औद्योगिक संगठनों में बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, तो ये औद्योगिक संगठन के इकाई की हित में होगा कि वहाँ कोविड हेल्प डेस्क स्थापित करके यदि कोई भी सिम्टोमेटिक या कोई ऐसा व्यक्ति जो संदिग्ध है आता है, तो उसको तुरंत स्क्रीन करके उसकी चिकित्सा विभाग के माध्यम से उसके व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री जी ने हेल्प डेस्क की स्थापना के लिए ये भी निर्देशित किया है कि उसका प्रचार भी खूब हो, सूचना विभाग के माध्यम से आदेशित किया है कि प्रचार में कोई कमी नहीं रहना चाहिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए, विशेष रूप से मेरठ मंडल के लिए, उन्होंने आज सभी वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देशित किया है कि एक पूरा प्लान पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ऐसा रहे जो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को व्यापक रूप से डोर टू डोर, जन जन तक जाकर प्रचार करते हुए उनको स्क्रीन किया जाए, सर्वेलेंस किया जाए। तो 1 जुलाई से 7 जुलाई तक पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सर्वेलेंस की कार्रवाई की जाएगी, स्क्रीनिंग की कार्रवाई की जाएगी, प्रत्येक ग्राम पंचायत व प्रत्येक वार्ड में जो है घर घर जाकर कार्रवाई की जाएगी। इसकी व्यवस्था जो है मेडिकल डिपार्टमेंट और राजस्व विभाग और पूरा प्रशासनिक अमला, पुलिस विभाग भी जो है इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। संक्रमित होने की दिशा में जो है लोगों का तत्काल उपचार हो, हम किसी भी संक्रमित व्यक्ति तक पहले पहुँचे, बनस्पत इसके कि संक्रमित व्यक्ति लेट से हमारे पास पहुँचे, ये उद्देश्य है। उद्देश्य ये है कि हर हालत में शुरुआत में ही लोगों तक पहुँचने की व्यवस्था की जाए। मेरठ मंडल में मंडियों में, दुकानों में, सरकारी संस्थाओं में, गैर सरकारी संस्थाओं में जो है पूरी जाँच की जाएगी। जनपद के कोविड अस्पतालों की क्षमता भी बढ़ाई जाएगी। ऐसे में पब्लिक एड्रेस सिस्टम का उपयोग किया जाएगा और मेरठ मंडल में ही नोएडा, गाज़ियाबाद में प्रचार को और अधिक व्यापक और बृहद करने का भी निर्देश उन्होंने दिया है। नगर विकास विभाग, ग्राम विकास विभाग, पंचायती राज विभाग से विशेष स्वच्छता अभियान भी चलाने का निर्देश दिया गया है। मृत्यु को रोकने के लिए पल्स ऑक्सीमीटर का उपयोग किया जाए। यदि ऑक्सीजन लेवल नीचे गिरता है, तुरंत पल्स ऑक्सीमीटर से पता लग सकता है, तो ऐसे में इस पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रचार प्रसार के लिए टेलीविजन, रेडियो, समाचार पत्र, पब्लिक एड्रेस सिस्टम का उपयोग और पोस्टर और बैनर लगाने का निर्देश भी दिया है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन को निरंतर रूप से संचालित करने का भी उन्होंने निर्देश दिया है। आज मैं ये भी बता दूं कि मनरेगा में आज जो 26/6/2020 की सूचना ACS पंचायती राज और ग्राम विकास द्वारा दी गई है, उसके अनुसार उत्तर प्रदेश में 62,25,087 लोगों ने जो है अंश जो लेबर हैं उन्होंने उनको एंगेज किया गया था कल, और 56,659 ग्राम पंचायतों में
कार्य दिया गया था,